गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड हेल्दी। सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द बॉयकॉट चाइना। उसी पर ये टॉपिक प्रॉपर्ली मैं बनाया हूँ एंड ये कोई रोस्टिंग फ्री टॉपिक नहीं है। जस्ट आई एम डूइंग ए सीरियस डिस्कशन कि यार मतलब क्या हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या मतलब तुम लोग इस देश को कतई ये पूरे वर्ल्ड में साबित कर दोगे कि ये देश एक नंबर का सी है। नहीं मतलब मैं स्टार्ट करने से पहले ये पिक दिखाना चाहता हूँ। तो इस पिक में आप सभी देख रहे हैं कि बॉयकॉट चाइना का लेके एक रैली निकला है जिसमें चाइना का प्रेसिडेंट है और उसके नीचे मैप किसका है, यूएस का। तो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन मैन, मेरे को भी नहीं पता कि कौन देश का क्या मैप है, क्या है यूएस का मैप कैसा है, चाइना का कैसा है, सबका मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है। बट जब आप प्रिंट करा रहे हो किसी चीज को लेके, तब आप एक मैप तो बनाओगे ना सही देख के। एंड भाई सबको ही पता होगा इस देश में कि चाइना और इंडिया के हालात बहुत खराब है। लद्दाख में बॉर्डर के पास चाइना ने इंडिया के 20 सैनिकों को मार दिया था। तो वीडियो के एंडिंग के टाइम में 1 मिनट का श्रद्धांजलि उन 20 जवानों को, शहीदों को, जिनके वजह से आज हम यहाँ पर देश में सुरक्षित बैठे हुए हैं। पर बैठ के क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ इस तरह का चुतिया। मतलब यार क्यों, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बॉयकॉट चाइना बोलने पर ऐसे तो अभी कोरोना का टाइम है, महामारी है, देश की गवर्नमेंट से लेके देश के जितने भी लोग हैं, पुलिस प्रशासन, सबको यही बोल रही है कि आप घर में बैठो। और आपको नहीं, आपको तो लगाना बॉयकॉट चाइना का नारा, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बॉयकॉट हैशटैग बॉयकॉट चाइना कर रहा है, तो कोई ऑफलाइन ऐसे निकल कर ये कर रहा है। एंड एक क्लिप मैं प्ले कर रहा हूँ, पहले उसको देख लो। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, मतलब आप क्या, आपके टीवी तोड़ने से या मोबाइल तोड़ने से या कुछ भी तोड़ने से क्या चाइना बॉयकॉट हो जाएगा? हाँ व्हाट द फक, आपको पता नहीं आपने जो टीवी खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, उसका जो पैसा है, जो टैक्सेस से चाइनीज गवर्नमेंट को मिल गया, जो उसका प्रॉफिट है उस चाइनीज कंपनी को मिल गया, और इंडियन, इवन इंडियन गवर्नमेंट को भी जो उसका हक का टैक्स है वो मिल चुका है, तो फिर क्या फायदा? ये टीवी मोबाइल जो भी आप तोड़ रहे हो, 10, 15, 20, 25 जितने भी हजार की आप चीजें तोड़ रहे हो, ये आपके पॉकेट का लॉस है, ओवरऑल ये इंडिया का लॉस है, ये चाइना का इसमें कोई कोई फायदा नहीं है इसमें। मैंने ये घर ही लिया था आज से 2 साल पहले, 2000 में, चाइना का है, हुआई कंपनी का, इसका मतलब क्या तोड़ दूं? नहीं तोड़ दूं भाई यार, आपको तोड़ना है कोई सामान तो भाई मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, बहुत गरीब लड़का हूँ। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल मैं अपना एड्रेस दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, मेरे घर में भिजवा देना। मतलब एक एक कॉमन सेंस तो होना चाहिए। आप जो चीजें खरीद रहे हो, खरीद चुके हो आप किसी देश से, वो आपको क्या करना है, आपको उसको बेनिफिट लेना चाहिए कि हाँ मतलब दिमाग चलाओ यार। अमेरिका चाइना ये लोग इतनी टॉप पर ऐसे ही नहीं पहुंचे, ये लोग वो स्ट्रेटेजी चलाए हैं, दिमाग चलाए हैं, ये होड़ वाला देशभक्ति दिखा के कुछ नहीं होने वाला। और इतनी जल्दी कोई भी देश की किसी भी चीजों को हम लोग बॉयकॉट नहीं कर सकते, उसका रिप्लेसमेंट चाहिए हम लोगों को, इतनी जल्दी करने का रहता तो हम तो बहुत एक छोटे से कीड़े हैं। बड़ी जो सरकार है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो एजेंसीज है, वो इतने देर में तो बॉयकॉट कब का कर चुकी होती। इतना आसान नहीं है बॉयकॉट करना, इतना आसान नहीं है कि किसी भी व्यापारिक रिलेशन को खराब करना। ऐसा नहीं है कि आप, हम लोग जो चाइना से जो चीज़ लेते हैं उसमें चाइना का प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट है, डेफिनेटली है, बट इंडियन गवर्नमेंट भी उसमें अच्छी खासी टैक्स कमाती है। पर आपको तो तोड़ना है। आपको मैं एक रिकॉर्ड बताता हूँ, चाइना इतना आगे क्यों है। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि हम लोगों को जब किसी चीज़ को बॉयकॉट करना है तो उसका, उसके रिप्लेसमेंट में जो उसका अल्टरनेटिव है उसको हम लोगों को चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम लोग चाइना को बॉयकॉट भी कर दिए तो हम लोग प्रॉपरली डिपेंडेंट है। क्या है हमारा पर्सनल टेलीग्राम, कुछ गिने चुने चीज़ें होंगे सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर की तो छोड़ दे रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, मैं चाइना के आपका कुछ रिकॉर्ड बताता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर पूरे, मतलब इंडिया के आप पूरे वर्ल्ड में बोल दो, वर्ल्ड के काफ़ी जगहों पर ट्विटर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, गूगल सर्च इंजन यूज़ करते हैं, डेटिंग के लिए टिंडर ऐप यूज़ करते हैं। पर आपको चाइना का पता है,
एक भी यूरोपियन ऐप चाइनीज मोबाइल में आपको नहीं मिलेगा, आप चाइना जाके देख लेना, उनके पास हर चीज का एक अल्टरनेटिव है। ट्विटर के लिए सीना, वीवो, व्हाट्सएप के लिए वी चैट जो आप लोगों ने भी यूज किया होगा, यूट्यूब के लिए टोडू यूको, सर्च इंजिन के लिए बाइडू टीबा, टिंडर के लिए मोमो, और जो आप टिकटॉक जिस पर आप अपनी अठखेलियाँ दिखाते हैं वो उनका है, पबजी मोबाइल डेवलप उन्होंने किया है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं कि हम लोग को चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रह के हम लोग खुद का कुछ बनाना पड़ेगा। हम लोग खुद के देश में खुद कोई इतना इन्वेंट क्यों नहीं कर पाता है, उसका एक सिंपल रीजन मैं बताऊं क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्रीज उनको मिलती है, यहाँ पर एडमिशन अच्छे कॉलेजों में उनका होता है, जिनके पास सोर्स है, जिनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, जिनके पास पैसा है, यहाँ पर टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है, सीधी सी बात है। अब भाई जो घूस दे के जो कहीं सोर्स से कॉलेज में से डिग्री लेकर निकलेंगे तो भाई उनके पास इतना टैलेंट कहाँ होगी वो ये बनाएंगे। और जो कुछ कुछ जो रहते हैं जो इन सब चीज़ों में अच्छा टैलेंट रहते हैं उन वो चल जाते हैं बाहर, जैसे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बन गए, उनके उनके पास एक अद्भुत टैलेंट था, ही वॉज वेरी टैलेंटेड वेरी ब्रिलियंट, बट वो इंडिया में नहीं रहे क्योंकि पता है ना कि यहाँ पर टैलेंट की कदर नहीं है। गूगल ने उनको हायर कर दिया, अभी मंथली करोड़ों कमाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हम लोगों को चाइनीज ऐप को सिर्फ बॉयकॉट करना है, उनके बदले हम लोगों को कुछ अपना ऐप भी बनाना है, उसके लिए दिमाग चाहिए, उसके लिए कंसंट्रेट होना पड़ेगा। और इसी तरह एक बार में नहीं हम लोग, और वैसे भी जितने बोल रहे हैं बॉयकॉट चाइना हैशटैग, 90 सेकेंड में पूरा एमआई का स्टॉक आउट हो गया। ऐसे ही नहीं भाई, ट्विटर में हैशटैग चलाना तो जरूरी है, बट हैशटैग चलाएंगे किस मोबाइल से, वीवो, ओप्पो, एमआई, रियलमी। फिलहाल मैं भी रियलमी के मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि मैं इसको तोड़ दूँ। और भाई अगर मेरे को अगर नेक्स्ट मोबाइल लेना भी पड़े ना तो भी उसके अल्टरनेटिव में है सैमसंग का है, मोटरोला का है, बट बात यह है कि उनके तरह फीचर्स तो नहीं मिलते ना। हाँ हम लोग अपने देश के लिए इतना कर सकते हैं कि 1-2 हज़ार अगर ज़्यादा हुआ तो दे कर सकते हैं उसके बदले में। एक माइक्रोमैक्स इतना अच्छा इंडियन कंपनी था, अच्छी चीज़ें भी देता था, प्राइस भी ठीक था, लेकिन कितने दिन चला। तो यहाँ पर गलती हम लोगों की है, सिर्फ बॉयकॉट चाइना लगाने से कुछ नहीं होगा, वी शुड डू समथिंग कि हमारा एप्लीकेशन चाइना यूज़ करे। चलो चाइना कोई देश का नहीं यूज़ करता, उसको छोड़ दो, हमारा एप्लीकेशन यूरोपियन कंट्रीज यूज़ करे, हमारा एप्लीकेशन और भी जितने एशियन कंट्रीज है वो यूज़ करे, पर नहीं, हम लोग को तो सिर्फ रोड पर निकल कर बॉयकॉट चाइना करना है। और न्यूज़ टीवी में बॉयकॉट चाइना दिखाया भी तो किस तरह से जा रहा है, बॉयकॉट चाइना पर डिस्कशन हो रहा है पावर्ड बाय वीवो मोबाइल। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वाह भाई वाह, तो समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो देखो ऐसे बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा। हम लोगों ने जो पहली बार जो चीजें खरीद चुके हैं, हम लोग जिसके लिए हम लोग हजारों रुपया टैक्स अपनी गवर्नमेंट को, चाइनीज गवर्नमेंट को, चाइनीज कंपनी को दे चुके हैं हम लोग, उसको हम लोग को प्रॉपरली यूज करना है, उसको मतलब ऐसा यूज करना है कि उसका लास्ट पार्ट तक हम लोग को एकदम यूज करने की, हम लोगों ने पैसा चाइना को दिया तो उसको प्रॉपरली हम लोग यूटिलाइज करें। चाइना में कुछ भी अगर इंडिया का कोई भी चीज़ होता होगा तो आपको क्या लगता है कि चाइना में, वहाँ पर भी तो ऐसे वॉर सिचुएशन बना हुआ है, वहाँ पर का भी हालत ऐसे ही है, हम लोग को भले वहाँ का लोगों का सिचुएशन नहीं दिखाया जाता, सिर्फ इन दोनों के बॉर्डर का, यहाँ के सरकार का, और जो मीडिया दिखाना चाहती है वही दिखाती है, लेकिन वहाँ पर भी मेंटेलिटी लोगों का यही होगा कि वॉर सिचुएशन बना होगा कुछ ना कुछ। तो क्या वहाँ के लोग हम लोगों की जो चीज़ें अगर कुछ लिए भी होंगे तो वो क्या तोड़ देंगे, वो क्या यूज़ नहीं कर रहे होंगे। पहले जाके देखो कि दूसरे देश इतने तरक्की क्यों कर चुके हैं और हमारा देश एक सोने का चिड़िया होते हुए भी आज क्यों इस पोजीशन पर है, तब समझ जाओगे कि देश बहुत अच्छा था पर यहाँ के कुछ कुछ नहीं, कुछ ज्यादा ही एक नंबर के अखंड सी लोगों के चलते ये देश आज इस पोजीशन में पहुंच चुका है। बस मैं आज का वीडियो बस यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और एंड करने से पहले बस यही बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ अग्रेशन में नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ पीयर प्रेशर में मत करो, फैक्ट के साथ चलो, फैक्ट के साथ ही आगे बढ़ो। गवर्नमेंट भी फैक्ट को देखकर ही अपना डिसीजन लेती है, चाहे वो बॉर्डर पर लेने वाला डिसीजन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल डिसीजन हो, या फिर चाहे वो कोई भी देश के साथ व्यापारिक समझौता हो, ऐसे नहीं लिया जाता है, फैक्ट के अनुसार जो इन्वायरमेंट बना हुआ है उसके परिस्थिति के अनुसार फैसला लिया जाता है।
तो बस दोस्तों आज का ये वीडियो बस इतना ही हुआ, इससे ज्यादा मैं आप सभी के सामने ज्ञान नहीं पेलूंगा। तो आपसे मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।